नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। हफ्ते का आगाज करेंगे कुछ ऐसी कॉल्स के साथ जो आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न्स दिला सकती हैं। 20 सौदे इंट्राडे के लिए जो चुने गए हैं आपके लिए। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं डिम्पल। बिल्कुल, इस समय खैर अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी देखने होंगे क्योंकि शुक्रवार का दिन तो भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार था और उससे पहले बाजार ने धीरे 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 करके अपनी मजबूती को पक्का कर लिया। कुछ शॉर्ट कवरिंग के, कुछ ताज़ा खरीदारी के जरिए था। शुक्रवार से शनिवार और इतवार तक दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, देखना कि क्या कोई बड़ी खबर ग्लोबल फ्रंट पे तो नहीं आती और खासकर कच्चे तेल को लेकर क्या न्यूज़ रहती है। अभी तक की जानकारी है कि जो प्रोडक्शन कट को लेकर फैसला लिया गया वो उम्मीद से कम है। पहले भी एक बार ये फैसले की अब ऐसा लग भी रहा था कि शायद हो सकता थोड़ा बहुत मूव आता हुआ दिख जाए क्योंकि उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा थी क्रूड के अंदर। लास्ट एक डेढ़ घंटे के अंदर हमने क्रूड के अंदर वापस तेज़ी बनते हुए देखी थी। एक बार जरा एसजेक्स निफ्टी देख लेते हैं, एशियन मार्केट्स वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे आज की शीट आपके सामने रखना शुरू करेंगे कि आज के मुनाफे की कॉल्स कौन सी हैं और पुरानी हिट कॉल कौन सी हैं। अभी एसजेक्स निफ्टी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ है, लेकिन 50 अंकों की गिरावट के बावजूद भी 10,800 के बेहद करीब है, 783 पर चल रहा है काम। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज इंडियन मार्केट के 10,800 के रेंज को मेंटेन करके रखते हैं नहीं, क्योंकि बीते सत्र उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया। अब मार्केट के पास एक चीज़ तो तय है कि 10,700-7,500 वाली रेंज बहुत पक्का सपोर्ट है और ये हफ्ता पूरी तरह से डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक भी है। तो आप इससे इस चीज़ का आंकलन लगा के चलिए कि जो आंकड़े आपको हो सकता है शुरुआत में मिले दिन में वो पूरी तरह से बदलते हुए दिखें। फिलहाल एशियन मार्केट्स का रुख हैंगसेंग यानी कि हांगकांग का बाजार ये फ्लैट है, शंघाई चाइनीज मार्केट ये फ्लैट है, जापानीज मार्केट करीब आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा जल्दी से यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग भी देख लेते हैं, वहां पर क्या डैमेज ज़्यादा था, क्या फिर अभी भी डैमेज ज़्यादा दिख रहा है। टॉप फ्यूचर्स जो अभी भी कामकाज कर रहे हैं वहाँ पे 107 अंकों का नुकसान है और 27 पॉइंट है नेस्टेक के फ्यूचर्स नीचे। इसके अलावा वहाँ की जो क्लोजिंग थी वो भी ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, डॉप फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुए हैं। नेस्टेक के अंदर जो कई दिनों की हमने अब तेज उथल पुथल देखी थी वो बिल्कुल शांत सिर्फ 20 पॉइंट में ही गिरावट पर बंद हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो रजत आपको बता रहे हैं, नहीं तो फिर आगे चल के हम फटाफट से शेयर्स आपके सामने रख रहे हैं। जो बिल्कुल इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत मायने रखेंगे, पहला चीन ने आरआरआर को घटा दिया बैंकों के लिए, बिल्कुल 0.5% घटाया। दूसरा जो आप ओपेक बैठक बोल रहे थे, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाने का तो फैसला लिया, 10 लाख बैरल प्रति दिन बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 16-17 बैरल तो नहीं हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। क्रूड रूस ने कहा था कि 15 लाख होगा, सऊदी अरब चाहता था कि 10 लाख ही हो। बिल्कुल, और दूसरा जो ट्रंप की चेतावनी तो है ही ट्रेड वॉर को लेकर, तो वो एक बड़ा कंसर्न इस समय मार्केट्स के लिए है। तो बहुत इंटरनेशनल जो क्यूज होंगे वो डोमिनेट करेंगे इंडियन मार्केट्स को आज। ठीक है, जल्दी से फटाफट से आज की हिट कॉल्स भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज के सौदे आपके सामने रखना शुरू करेंगे। जल्दी से सारी की सारी कॉल्स जो पिछले हफ्ते हिट हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। एससीएल टेक, ये 912 रुपये का टारगेट दिया गया था, ये आपको हिट होता हुआ दिखा है और इसने बेहतरीन रिटर्न आपको दिया है। आईटी स्टॉक्स के अंदर अच्छा चला। एस्ट्राजेनिका 1375 का टारगेट था, ये भी अपने टारगेट से ऊपर जाके बंद हुआ, करीब 9% ऊपर रजत की कॉल थी। सोम डिस्टिलरीज 250 के ऊपर जाके इसकी भी हमको टारगेट जो मिला था वो भी हिट होते दिखा, 252 पे ही इसकी को डॉट क्लोजिंग आते हुए मिली है। और इसके अलावा स्ट्राइड शासन भी कल वापस 399-400 तक पहुंचता हुआ दिखा, इसने भी टारगेट को हिट किया। ये कुछ एक हिट कॉल्स थी तो हमने आपके सामने रखी है। अब आज की कॉल्स की बारी है तो रजत से जानते हैं आज उनकी शीट में पहली दो कॉल्स कौन सी है। देखिए, कच्चे तेल को लेकर डर था तो कहीं ना कहीं खरीदारी होने रही थी ऑयल एंड गैस स्पेस में, खासतौर से ऑफशोर और एक्सप्लोरेशन कंपनियों में, लेकिन आज दिन हो सकता है। पिछले सत्र में दमदार रिटर्न्स क्रूड पे मिले, 5% चढ़ गया WTI, शुक्रवार को 3.5% उछला ब्रेंट। माना कि आज थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन बाजार इस चीज को फैक्टर करने की कोशिश करेगा कि जो प्रोडक्ट आउटपुट बढ़ाने की बात की गई है ओपेक देशों की तरफ से वो अनुमान से थोड़ा कम है। 10 लाख बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक्सपेक्टेशन थी कहीं इससे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं आउटपुट बढ़ जाएगा, उसी के कारण खरीदारी नहीं हो रही थी इन स्टॉक्स में, लगातार दबाव आता देखा। लेकिन आज चल सकते हैं एक्सप्लोरेशन कंपनियां, रिफाइनिंग कंपनियां, अपस्ट्रीम कंपनियां। सिलान एक्सप्लोरेशन को अपने रडार पर रखें, आज के लिए 196 से 198 के जोन्स के लिए टारगेट रखें और 188 आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, डॉल्फिन ऑफशोर, हो सकता है कि शुरुआत इसकी बेहतर रहे, पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा पिटाई स्टॉक की ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन क्रूड का चलना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक राहत की खबर ऑफशोर कंपनियों के लिए भी है। डॉल्फिन पे आज का टारगेट 68 से 69 की रेंज पर रखें और 64 ये आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको डॉल्फिन ऑफशोर पे लगाना होगा। ठीक है, हमारी तरफ से आज के पहले दो डिफेंस के शेयर होंगे जो कि सरकार की नीतियों के ऊपर बेस्ड हैं। उससे पहला है एस्ट्रा माइक्रोवेव। असल में यहाँ पे इन्होंने रफेल के साथ एक करार किया, करार तो वो छोड़ा छोटा ही है, 32 करोड़ का करार है, लेकिन फिर भी ये करार इंटरनेशनल कंपनी के साथ है। ये एविएशन यानी कि एयरलाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भारतीय सेना के अंदर एयर जो डिफेंस है उसमें इनका जो JV हुआ है अभी रफेल के साथ, 50% स्टेक इनका है, 49% रफेल का है और 1% जो बकाया है
वो एस्ट्रो माइक्रोवेव के प्रमोटर्स का है, डॉक्टर रेड्डीज है उनका नाम, तो उनके पास हिस्सेदारी है। तो आइए, शेयर थोड़ा चल सकता है इस डील के जरिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है कि डिफेंस को लेकर भारत अपना आयात बिल, इम्पोर्ट बिल कम करें, भारत में खुद से डिफेंस को लेकर काफ़ी तेज़ी से प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, और उसको ले लेकर हो सकता है कुछ एक दिनों में एक मेजर अनाउंसमेंट, एक मेजर रोड मैप भी आ जाए, क्योंकि चार सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, अगले 6 महीने में इनका आयात बिल यानी कि इम्पोर्ट बिल कम करना है, उसमें से एक डिफेंस भी है। एस्ट्रो माइक्रोवेव 110 का टारगेट है। दूसरा शेयर भी इसी तरह से डिफेंस का है, जो सरकार की नीति में आपसे कह रहा था कि सरकार अगले 6 महीने में एक बड़ा रोड मैप लेके आ सकती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का बयान सामने आ चुका है, इसलिए ये रिएक्शन आज ही आपको देखने को मिलेगा। रोड मैप बनेगा जब बनेगा, लेकिन आज रिएक्शन पे असर देखने को मिल सकता है। 162 रुपये का आप इस पर भी टारगेट रखिए, 150 का एक स्टॉप लॉस रखिए। सरकार मेक इन इंडिया के तहत इसमें और तेज़ी लेके आना चाहती है, और सरकार की अपनी योजना है कि कम से कम इनका अपना प्रोडक्शन अगले 6 महीने के अंदर 10% से बढ़ा दिया जाए। जो नीति चाहिए वो नीति सरकार देने को तैयार है। तो वालचंद नगर और एस्ट्रा माइक्रो, एस्ट्रा का तो खैर राफेल के साथ करार भी है, ये भी इसके हक में आके गिरेगा। चलिए, बायोकॉन पे नजर रखनी होगी। देखिए, आज फार्मा बहुत मिक्स प्ले होगा, किसी काउंटर में खरीदारी, किसी में बिकवाली, न्यूज फ्लो के आधार पर ही बन जाएगी। बायोकॉन में लग रहा है कि तेजी के सौदे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कंपनी को USFDA से EIR मिल गया है बेंगलुरु इकाई के लिए, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। पॉजिटिव खबर है, बायोकॉन चढ़ सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए। पिछले सत्र में भी 1.5% के आसपास का उछाल था, 645 ये आज के दिन का टारगेट होगा, और 625 का छोटा सा स्टॉप लॉस, तेजी 630 के ऊपर रिकमेंडेशन होगी। लेकिन नेगेटिव खबर आ गई है डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। याद होगा कि दमदार रिटर्न्स दिए हैं इसने पिछले कुछ हफ्तों का ट्रेंड देखे तो, पिछले सत्र हफ्ते भी निचले स्तरों से कुछ खरीदारी बनी थी, लेकिन आज खबर यह है कि कंपनी एक पेटेंट को लेकर मामला हार गई है। एलिलिली के साथ ही पेटेंट विवाद चल रहा था अलीमाटा दवा को लेकर, और इस दवा का जो इस्तेमाल होता है वो कैंसर के इलाज के लिए होता है। एक नेगेटिव खबर है, तगड़ा झटका लग सकता है। 2300 से 2305 आज के दिन का टारगेट डॉक्टर रेड्डीज पर, बेच कर चलें। 2345 एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इस स्टॉक पे फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली इसलिए क्योंकि टेक्निकली किसी भी तरीके से कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन न्यूज फ्लो का इंपैक्ट आज डॉक्टर रेड्डीज को गिरा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 1 से 1.5% 2% के आसपास गिरावट देखने को मिले। एक डिफेंस का शेयर यानी कि डिफेंसिव शेयर फार्मा का हमारी तरफ से भी होगा, वो है कैडिला, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। एडलवाइस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट के तहत इस शेयर पे जो टारगेट दिया है 510 का है, शेयर भी चल रहा है 410 पे, टारगेट है 510 का, यानी कि 100 रुपये ऊपर करीब करीब 25% बनता है। तो यहाँ पे इसका एक बड़ा बड़े बेनिफिट हो सकता है। वैसे भी हमने भी इसको कवरेज में लिया था 2-3 दिन पहले ही, और कैडिला के बारे में हमने आपको बताया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इनके पास दो अहम ट्रिगर हैं। पहला, एक तो चीन के साथ जो दवा का एक्सपोर्ट खोल रहा है उसमें बड़ा बेनिफिशियरी है, अगले एक ही या दो क्वार्टर के अंदर इसमें आपको असर देखने लग जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये दवा लॉन्च करना चाहते हैं, करीब 50 से ज़्यादा अप्रूवल इनके पास है, और जो दवा लॉन्च करना चाहते हैं 70% उसका अप्रूवल इनके पास पड़ा है, यानी कि 50 में से 40 दवाइयों का अप्रूवल ऑलरेडी इनके पास है, जो US में जेनरिक ये बेचना चाहते हैं। 51% रेवेन्यू वहीं से आता है। तो कैडिलाइज एडलवाइज की रिपोर्ट पे आज अच्छा रिएक्शन दिखा सकता है। 416 का टारगेट, 404 का एक स्टॉप लॉस है। कच्चे तेल को लेकर उम्मीद से कम प्रोडक्शन हाइक हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उम्मीद से कम है। ONGC बहुत तेजी से कई दिनों से टूटता हुआ शेयर है, एक वैल्यू बाय वाली स्थिति में भी आके रुक चुका है, इसलिए ONGC का एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। डेरिवेटिव का शेयर है, पुलबैक मिला तो अच्छा स्ट्रांग पुलबैक आ जाएगा, कंटिन्यू इफेक्ट भी है, और एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है। एक्सपायरी वाले दिन में होता क्या है, वीक के अंदर अगर शेयर बहुत तेजी से कई शेयर टूट के आ रहे हो और उसके अंदर कोई फंडामेंटल पॉजिटिव ठहराव आ जाए तो उसके अंदर कवरिंग भी फास्ट होती है। तो आप ONGC पे ध्यान रख सकते हैं। 165 रुपये का टारगेट होगा, 155 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो ये आज कच्चे तेल के हिसाब से हमारा पहला शेयर है। चलिए, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, आज के EPS शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर्स देखिए आप। फीनिक्स मिल्स ये स्टॉक है, और खबर यहाँ पर है, और ये लगातार दूसरी बार खबर मैं ट्रैक कर रहा हूँ पिछले जो 1-1.5 महीने में आई है कि इनको एक ऑर्डर हाथ लग गया है। इनफैक्ट इस बार तो 234 करोड़ के प्रोजेक्ट का अधिग्रहण ही कर लिया सब्सिडियरी ने, और ये रिटेल डेवलपमेंट के लिए है, एरिया है इंदौर जहाँ पर ये एक फीनिक्स मार्केट सिटी इंदौर का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन ये 234 करोड़ का ऑर्डर साइज है जो इस बार कंपनी के सब्सिडियरी के हाथ लगा है। इससे पहले जो खबर ये थी कि लखनऊ में एक रिटेल मॉल का विस्तार करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो लगातार ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है, अब एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी देखनी होगी। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक पे इस न्यूज़ का पॉजिटिव ही असर एक्सपेक्ट करें आप। 642 से 645 आज के दिन का टारगेट है, और 626 फीनिक्स मिल्स पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने की सलाह।
एक और हमारे तरफ से शेयर है वो डिफेंसिव ही है, वो है बीपीएल लिमिटेड। आप इसमें भी ध्यान रखें, सरकार की नीतियों के तहत हमें सारी खबर ले रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है, यानी कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट है, जो चार सेक्टर है, उसमें से दूसरा सेक्टर मेडिकल इक्विपमेंट का भी है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और उसमें ये आयात को कम करना चाहती है, भारत में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। बीपीएल का अच्छा बेस भारत के अंदर है, 30% इस शेयर के अंदर कैश डिलीवरी भी है। ये शेयर एक अच्छा मूव दिखा सकता है, 62 रुपये का टारगेट रख के 56 रुपये का एक स्टॉप लॉस आप इसमें जरूर रखिएगा। ये मेक इन इंडिया के तहत जो मेडिकल इक्विपमेंट के आयात कम और एक्सपोर्ट को लेकर बढ़ावा देने की बात है, भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, उसका बेनिफिट इस शेयर को मिल सकता है। 62 रुपये का टारगेट, 56 का एक स्टॉप लॉस है। तो ये कुल मिला के 5-5 शेयर हमारी तरफ से, पहले 5 शेयर जो मेरी तरफ से दिए गए, जरा नोट कीजिए। एस्ट्रा माइक्रोवेव, रफेल के साथ एक करार हुआ, 32 करोड़ की डील है, 50% स्टेक इनके पास होगा, 49% रफेल की, छोटा करार बट इंपॉर्टेंट करार है, बेनिफिट मिलेगा 110 का। सरकार पीएम ने खुद से बोला है कि डिफेंस उपकरण के इम्पोर्ट को कम करें, भारत में आयात को कम किया जाए और प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया जाए अगले 6 महीने के अंदर। वालचंद नगर इस खबर का बेनिफिट उठा सकता है, 162 का टारगेट होगा। कैडिला पे एडलवाइज की एक रिपोर्ट आई है, 510 का टारगेट दे रहे हैं। हमारी कवरेज में भी है चीन और साथ ही अमेरिका, दो बड़े देश है जिनसे इसको बड़ा बेनिफिट आगे चल के क्वार्टर्स में मिलेगा। आज 416 का टारगेट, ONGC 19 से कम प्रोडक्शन जो उत्पादन बढ़ाया गया उसका बेनिफिट आज ONGC को मिलेगा। एक्सपायरी वाले हफ्ते के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बीपीएल मेक इन इंडिया के तहत मेडिकल उपकरण जो है उसके आयात को भी कम किया जाएगा और भारत में मेडिकल इक्विपमेंट को बनाने की प्रोसेस को और तेज करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बीपीएल पे आज फिर से तेज देखने को मिल सकती है, 62 रुपये का टारगेट होगा। नवंबर 2016 के बाद सबसे तगड़ी रफ्तार क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनी। शुक्रवार के सत्र में ओपेक देशों ने 10 लाख बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ाने को मंजूरी दी थी, लेकिन यह अनुमान से कम। तो आज एक्सप्लोरेशन और ऑफशोर कंपनियां जो होंगी वहां पर तगड़ी रफ्तार एक्सपेक्टेड है। सेलान एक्सप्लोरेशन 196 का टारगेट और डॉल्फिन पे खरीदारी करें 68 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा बायोकॉन, यहाँ पर ईआर मिला है कंपनी की बेंगलुरु इकाई को, 645 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज टूट सकता है, 2305 का लक्ष्य रखें। यहाँ पर एलिली के साथ एक पेटेंट विवाद जो चल रहा था उसमें कंपनी हार गई है वो मामला। फिनिक्स मिल्स कंपनी की सब्सिडरी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक रिटेल मॉल बनाने के लिए, ये इंदौर में बनाएगी कंपनी। आज के लिए 300 सकता है स्टॉक, 642 का टारगेट रहेगा और 626 आज के दिन का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो लगातार काफी सारे शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं और इन शेयरों की सूची अब 10 तक तो पूरी हो चुकी है, 10 अभी और है। तो आज अब 11वां शेयर आप नोटिस कीजिए जो आपको आज अच्छा मुनाफा दे सकता है, कोलगेट। आप इस पर ध्यान रखें, एक तो डिफेंसिव शेयर्स को एक ना एक जरूर अपने पास रखें इस तरह के मार्केट के अंदर, चाहे वो कोलगेट हो, इमामी हो, मैरिको, ITC, HUL, कोई भी शेयर, बड़े या छोटी कंपनी मैटर नहीं करेगी, स्ट्रक्चर सिर्फ मैटर करेगा। एक ना एक डिफेंसिव शेयर रखें। बीते सत्र भी इस शेयर के अंदर कोई खास बड़ी गिरावट नहीं, बल्कि हरे निशान में बंद हुआ है, एक वैसे ब्रेकआउट दे चुका शेयर है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे आके एक ठहराव है शेयर के अंदर, लेकिन वापस तेजी आ सकती है। आज का सेटअप बिल्कुल इसके लिए फिट है। अगर मार्केट के अंदर थोड़ा भी पुलबैक आया तो शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, अगर मार्केट में गिरावट है तो डिफेंसिव प्ले अपना करेगा। इसलिए 1210 का टारगेट रखिए और 1178 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। थोड़ा हो सकता है गैप के साथ भी शेयर खुल जाए, लेकिन ध्यान रखिए शेयर के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट शेयर होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड के अंदर भी हमको देखा है कि तेजी से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हमको बनती हुई दिखी है, 5 दिन के औसत वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इसमें अंदर बनता दिखा और लास्ट सेशन में ये एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। 250 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, ये 250 का ही आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 257 का एक टारगेट रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि गैप के साथ खुल रहा है तो 1 रुपया आप भले नीचे और जाने दें 249 तक, लेकिन इससे नीचे ना देखें। उसके बाद अगर शेयर पुल बैक दिखा दे तो आपको 257 तक भी शेयर आ सकता है। तो वॉल्यूम और साथ ही ब्रेकआउट का छोटा सा कैंडिडेट है एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी आपको बाय करना है। कच्चे तेल में तेजी का असर जिन जिन सेक्टर्स में पड़ेगा उसमें रिफाइनिंग कंपनियां भी शामिल है। MRPL, ये स्टॉक पे आप नजर रखें, हो सकता है कि आज के सत्र में तगड़ी दौड़ लगा जाए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना होगा। 87.50 पिछली क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और 92 से 93 तक के टारगेट्स MRPL पे देखने को मिल सकते हैं। मुद्दा ये कि लगभग 3.5-4.5% के आसपास की तेजी शुक्रवार को क्रूड पे बन चुकी है। KPR मिल्स, ये इंटरेस्टिंग है, पिछले हफ्ते निचले स्तरों से बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, एक अच्छी खरीदारी इसमें बनती हुई नजर आया। खबर यहाँ पर है कि मैनेजमेंट ने खुद कह दिया है कि अब रिटेल फॉर्मेट में, ब्रांडेड रिटेल फॉर्मेट में कंपनी उतरेगी और उसके लिए रिटेल टीम का गठन भी कर दिया गया है। तो एक पैरेलल स्ट्रीम ऑफ बिजनेस हो सकता है कि KPR मिल को आने वाले समय के लिए ड्राइव करे, लेकिन एक खबर पॉजिटिव कंपनी के लिए कि ये रिटेल, ब्रांडेड रिटेल कारोबार में उतरने जा रहे हैं। 675
ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा केपीआर मिल्स पे, और 656 का एक स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाकर चलना होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स होगा हमारा अगला शेयर, इस पर भी ध्यान रखें क्योंकि 2526 यानी कि आज और कल एक तो निवेशकों के साथ इम्पोर्टेंट बैठक है, डिलीवरी वॉल्यूम 49% का है और शेयर में वापस से तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लास्ट सेशन में भी करीब 1% शेयर बढ़कर बंद हुआ है, इसका बेनिफिट इसको मिल सकता है। वैसे भी जितने भी खपत वाले शेयर हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से जुड़े हुए शेयर्स, उन सब के अंदर हमने किसी तरह की कोई भी गिरावट नहीं आती हुई देखी है, वो तो हर बाउंस में अच्छा पुल बैक भी दिखाते हैं। तो 230 तक का टारगेट रखिए, आप इसमें खरीदारी करें, 223 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और शेयर है हमारे लिस्ट में, साथ ही इसी से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ एक और शेयर है HBL पावर। ये बैटरी बनाती है टेलीकॉम के लिए, ऑटोस के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें खबर ये आ रही है कि एक नए डिवीजन के तहत इसको भारतीय सेना एम्यूनिशन के लिए भी ऑर्डर दे सकती है। ये एक बड़ा ऑर्डर है, इसमें सात कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई हैं, उसमें HBL पावर भी एक है। ये एम्यूनिशन प्रोवाइड कर सकती है भारतीय सेना को, सात कंपनियों में से एक है ये। दूसरा, बाकलेस वेल्थ का कंपनी में 49% का हिस्सेदारी है, दैट मीन्स ये एक बड़े वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी है जिसको उसको मेंटेन हो रही है। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसमें हमको पता लगे जिसकी वजह से आपके सामने हमने शेयर रखा। 38 का टारगेट होगा, 34 रुपये का स्टॉप लॉस, HBL पावर हमारी तरफ से आज का नौवां शेयर। स्टॉक है जैन इरिगेशन, जहां पर बिकवाली करने की सलाह होगी, वो इसलिए क्योंकि प्रमोटर ने लगभग 17 लाख शेयर्स अलग अलग कैटेगरी में जो शेयर्स हैं ये रखे हैं गिरवी। 19 जून को ये एक्सचेंजेस पे क्लैरिफिकेशन आई है कि 19 जून को 17 लाख शेयर्स गिरवी रखे गए हैं प्रमोटर की तरफ से और आज के लिए फिसल सकता है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, ऑलरेडी वीक काउंटर है, लेकिन 95 एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट 90 का। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली क्योंकि मानसून का सीजन है और ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट करने की आमतौर पर सलाह नहीं दी जाती, लेकिन ये न्यूज फ्लो जिस आधार पर इस स्टॉक को आज नेगेटिव बना सकता है, 90 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है। लेकिन एक स्टॉक है सिम्फनी, इस पर जरूर नजर रखें क्योंकि क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है उसका अधिग्रहण करेगी कंपनी, और ये जो वैल्यूएशन है क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज की लगभग 201 करोड़ से 221 करोड़ की कंपनी है, एबिटा पॉजिटिव कंपनी है, तो एक अच्छी खबर सिम्फनी के लिए है। इनको अपनी ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रांग करने में मदद मिलेगी। आज के लिए 1465 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1438 सिम्फनी पे स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। और वैसे भी मॉनसून का सीजन है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स वैसे काफी अट्रैक्टिव इसमें मार्केट्स को लगेंगे निचले स्तरों से उम्मीद है। चलिए ये सारे नौ शेयर तो पूरे हुए, अब फटाफट से देख लेते हैं आज के सुपरहिट शेयर कौन सा है। तो रजत आपका आज का सुपरहिट शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट होगा, इनफैक्ट टाटा पूरा ग्रुप हो सकता है कि फेवर में रहे, और ये जो पेरिफेरल्स हैं जैसे कि टाटा स्पॉन्ज, मेटालिक्स, एलेक्साए, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज हो सकता है कि आज फोकस में रहे, वो इसलिए क्योंकि कल टाटा सेंस के चेयरमैन ग्रुप के 5 साल का प्लान पेश करेंगे। तो देखना होगा कि ये पंचवर्षीय योजना जो बनाएंगे इसमें क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन कौन सी कंपनियां फोकस में रहेंगी, ग्रुप का फोकस किन कंपनियों को आगे बढ़ाने पे है, वो कहीं ना कहीं फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर बोर्ड मीट का। लेकिन फिलहाल जो कंपनी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इसमें मार्केट में टाटा ग्रुप में, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। टेक्निकली भी काफी आकर्षक स्टॉक है ये। आज के लिए खरीदते हैं तो 880 से 890 की रेंज पे रखें पहला टारगेट, 854 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, लेकिन ट्रेल करते चलें और हो सकता है कि आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स जो वो एकदम से लाइमलाइट में आ जाए। जो लास्ट शेयर यानी कि सुपर एट शेयर हमारी तरफ से वो एबन ऑफशोर है, कच्चे तेल के ऊपर ही बेस्ड है। आपको मालूम है कि प्रोडक्शन जो किया गया वो 10 लाख बैरल का किया गया, ये सऊदी अरब का था, रूस चाहता था 15 लाख बैरल हो, यानी कि जितना मार्केट उम्मीद था कि नहीं रूस की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रखी जाएगी क्योंकि सऊदी अरब ओपेक देशों का है, नॉन ओपेक में रशिया है, तो रशिया की इंपॉर्टेंस यहाँ पे है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 10 लाख बैरल ही प्रोडक्शन कट हुआ है। उत्पादन बढ़ाने की बात हुई है जो कि उम्मीद से थोड़ा कम है, इसका मतलब ये है कि दाम ज़्यादा तेज़ी से भी नीचे नहीं आने वाले हैं, इसलिए एबन ऑफशोर के अंदर वापस एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बीते सत्र करीब 1.5% नीचे 120 के आसपास बंद हुआ है, 126 का टारगेट रखे, 118 का एक स्टॉप लॉस है। ये जो ऑफशोर वाली कंपनीज है थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा सकती हैं, हमने शुरुआत में भी ONGC रखा और लास्ट में जाते जाते एबन ऑफशोर रखा, तो दो शेयर इस क्रूड के ट्रिगर के साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। जल्दी से 10 के 10 शेयर आप देख लीजिए जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव पहला शेयर होगा, रैफेल के साथ इनका एक करार हुआ है, 50% JV के अंदर हिस्सेदारी इनकी है, 110 का टारगेट होगा वालचंद नगर। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट उसका कम किया जाए, भारत में प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसका बेनिफिट है। कैडिला पे एडवाइस की रिपोर्ट, 510 का टारगेट आज चल सकता है। ONGC उम्मीद से कम जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है ये आज बाजार के फेवर में आ सकती है। ONGC 165 रुपये का टारगेट होगा। BPL के अंदर भी आप इसलिए ध्यान रखें क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत सरकार मेडिकल इक्विपमेंट को भी आयात उसका कम करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, इसका बेनिफिट मिलेगा। 500 रुपये का टारगेट, शेयर में 30% कैश डिलीवरी। कोलगेट एक डिफेंसिव शेयर
शेयर आपकी लिस्ट में हो, खरीदारी इसमें हो सकती है। वायदा बाजार के अंदर ताजा खरीदारी के संकेत, एक्साइड के अंदर भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, ये शेयर भी आज चल सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की इन्वेस्टर्स के साथ एक बैठक है, 49% की कैश डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, 230 का टारगेट। एचबीएल पावर को सेना से एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है, 38 रुपए का टारगेट है और 49% बाकलेस वेल्थ का इसमें हिस्सेदारी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बड़ा सुपरहिट शेयर आज का वह एबन ऑफशेयर, कच्चे तेल का ट्रिगर आज इनके हक में आ सकता है, 126 रुपए का टारगेट रख के आज इसमें खरीदारी करें। शुक्रवार को कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, आज के सत्र में हो सकता है कि एक्सप्लोरेशन और ऑफशोर कंपनियों पे तेजी बने। सेलान एक्सप्लोरेशन 196 का टारगेट, 188 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस और डॉल्फिन 68 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। बायोकॉन की बेंगलुरु इकाई को EIR मिला है USFDA की ओर से, एक अच्छी खबर है, 645 का टारगेट रखकर बायोकॉन पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन नेगेटिव खबर है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, एली लिली के साथ जो एक पेटेंट मामला था वो हार गई है कंपनी, 2300 से लेकर 2305 तक के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डॉक्टर रेड्डीज पे लगाकर चलें 2345 का। फीनिक्स मिल्स सब्सिडी ने 234 करोड़ के प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया और इस बार इंदौर में ये प्रोजेक्ट को डेवलप करेगी कंपनी, 642 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और 626 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। MRPL आज एक्टिव होगा, क्रूड की ही चाल इस पर भी असर डाल सकती है। KPR मिल्स ब्रांडेड रिटेल कारोबार में उतरने जा रही है कंपनी, तो यहां पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन जैन इरिगेशन प्रमोटर ने कुछ हिस्सा गिरवी रखा है, इनफैक्ट 17 लाख शेयर 19 जून तारीख बताई गई है एक्सचेंजेस पर जहां पर गिरवी रखे गए हैं शेयर। सिम्फनी 1465 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण करने जा रही है कंपनी जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, तो ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने में सिम्फनी को मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा फोकस रखें टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स पे, क्योंकि कल जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के वो 5 साल का रोड मैप टाटा ग्रुप का पेश करेंगे, तो टाटा इन्वेस्टमेंट, मेटालिक, स्पॉन्ज, टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स हो सकता है कि आज एक्टिव रहे। तो ये 20 शेयर की सूची पूरी हुई है और उम्मीद करते हैं कि 20 के 20 शेयर आपको अच्छा मुनाफा दिलवाएंगे। लेकिन लास्ट का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड और पनामा के बीच में, रजत बता रहा था, रॉन दिया पनामा को 6-1 से, बिल्कुल ही लगातार बैक टू बैक गोल करते चले जा रहे थे इंग्लैंड वाले। और उसके बाद तो कोलंबिया और पोलैंड का भी था, वो था कोलंबिया 3-0 से जीत गया, बहुत कोलंबिया 3-0 से जीत। मुद्दा यही ना कि एकदम से जो टीम्स आ रही है एकदम से ऊपर, मेक्सिको, कोलंबिया, ये जो टीम्स है इंग्लैंड, ये अगर आप सूची देखें ना तो 6-6 पॉइंट्स हो चुके हैं इंग्लैंड के। साइबेरिया स्विट्जरलैंड का भी मैच हुआ था शुक्रवार को, स्विट्जरलैंड जीत गया, तो लास्ट मिनट में 90th मिनट के अंदर जो गोल हुआ स्विट्जरलैंड की तरफ से वो उसको जिता गया। पहले तो 1-1 से बराबर चल रहे थे, लेकिन उसका लास्ट में गोल हुआ वो भी अच्छा चला। तो ये उथल पुथल ना केवल फुटबॉल के अंदर आपको देखने को, अच्छा आज ना पुर्तगाल का मैच है, बहुत क्रूशियल है, अगर आप पुर्तगाल को जीतना ही होगा आज किसी भी तरीके से, देखना होगा रोनाल्डो क्या करते हैं आज। ठीक है, देखते हैं आज, मैसी तो नहीं चल रहे लेकिन रोनाल्डो की बात है, देखते हैं वो चलते हैं कि नहीं चलते। आज पुर्तगाल के मैच के साथ भी आज आप इंजॉय कीजिएगा। फिलहाल इन 20 शेयरों से इतना।